दिल्ली में जब चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, उस वक्त सातों लोकसभा सीट हारना हमारे लिए भी शॉकिंग भी था और मतलब एकदम आश्चर्यजनक था, ये क्या हुआ। हम मान के चल रहे थे 2-3 सीट 4 सीट तक तो बिल्कुल आने वाली हैं, और देश भर में कार्यकर्ता ये सवाल उठा रहे, उनको भी कहीं पूरे देश में कार्यकर्ताओं को कहीं से सीट जीतने की उम्मीद नहीं थी। पंजाब में उम्मीद थी और दिल्ली में थी। पंजाब में हमने जीती, ये ऐसी कुछ उम्मीद थी प्लस माइनस, लेकिन दिल्ली में जितनी उम्मीद थी उतना हम नहीं खड़े हो पाए। तो कार्यकर्ताओं के अंदर भी बहुत सारे सवाल थे। तो उस वक्त और फिर जब हम दिल्ली लौट के आए तो लोगों ने पूछना शुरू किया हमसे कि आप फिर से सरकार क्यों नहीं बना लेते हो। इनफैक्ट मैं और अरविंद एक कॉलोनी में गए, एक किसी के कैंडोलेंस में गए थे, तो वहाँ एक व्यक्ति ने हमसे कहा, ये इनफैक्ट वहाँ से ट्रिगर हुआ था कि उसने कहा आप लोग सरकार फिर से बना लीजिए। तो हमने जवाब दिया साहब वो तो लोकपाल बिल पे भी सपोर्ट नहीं करते, क्या सरकार बना लें। तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उसने कहा देखो जी अब लोकपाल बिल पे कुछ नहीं होता है, अब बिजली के बिल पे तालियां बजती हैं, लोकपाल बिल पे नहीं बजती। लोगों की ज़िंदगी लोकपाल बिल से नहीं चल रही, बिजली के बिल से चल रही है, वो आपने कम करके दिखा दिया था। तो वहीं से गाड़ी में बैठे बैठे लौटते हुए हमने सोचा कि एक बार पूछ के देखते हैं लोगों से कि क्या हमें दोबारा सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ऑफ कोर्स विद द सेम फार्मूला। बट जैसे ही हमने ये चिट्ठी लिखी एलजी साहब को, और तभी ये चल रहा था कि शायद एक दो दिन में गवर्नर असेंबली भंग कर सकते हैं एलजी साहब, तभी हमने फिर चिट्ठी लिखी, तब तक कांग्रेस की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया कि हम तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी उन्होंने बोला था अलवली साहब ने। फिर हमने कहा देर इज़ नो पॉइंट देन आस्किंग ऑल्सो,